नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो आज इसके बारे में जानेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक को हिंदी कहते हैं मानव मिति। द वर्ड एंथ्रोपोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से निकला है। एंथ्रोपो मीनिंग होता है ह्यूमन, मानव, और मेट्रॉन जो मैट्री वर्ड है, मेट्रॉन, उसका मतलब हो मेजर। तो मानव की जो भी ग्रोथ हो रही है एक तरह से, उसको मेजर करना, ये होता है एंथ्रोपोमेट्री। मेजरमेंट आर यूज टू मॉनिटर ग्रोथ, असेस न्यूट्रिशन स्टेटस एंड डिटरमाइन द वेट एंड हाइट गेन। तो मेजरमेंट से क्या पता चलता है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और वेट और हाइट गेन कितना हो रहा है। डेफिनेशन है इसकी, सिस्टम ऑफ असेसमेंट। ये क्या है? असेसमेंट का एक सिस्टम है। किसका असेसमेंट? बॉडी का असेसमेंट। ए सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ बॉडी बिल्ड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। उस बच्चे की, एक पर्टिकुलर बच्चे की बात करें तो उसके बॉडी बिल्ड कैसा है और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, इसके असेसमेंट का जो सिस्टम है यूजिंग मेजरमेंट। अब इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेट, हाइट को मेज़र करना, रिस्ट सरकमफेरेंस को मेज़र करना, स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन की जो फोल्ड करते हैं उसमें थिकनेस कितनी आती है उसको मेज़र करना, अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक करना, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस, ये सब चीज़ें चेक करना किसमें आता है, ये सब चीज़ें चेक करना आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में। पर्पज़ क्या होता है इसका, उद्देश्य? तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का पर्पस होता है रिकॉर्डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी, क्या पैटर्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, एंड हाउ इंडिविजुअल डेविएट फ्रॉम एवरेज इन बॉडी साइज बिल्ड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस एट वेरियस एजेस। तो एक जो सेट स्टैंडर्ड है उससे इंडिविजुअल जो है वो कितना डेविएट हो रहा है, जो एवरेज बॉडी साइज है, बिल्ड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वेरियस एजेस का, उससे। अब इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? तो स्प्रिंग बैलेंस फॉर इन्फेंट के लिए, वेइंग स्केल ओल्डर चिल्ड्रन के लिए, रूलर की ज़रूरत पड़ती है नापने के लिए, मेजरिंग टेप की, कैलीपर की, इन सब की इसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है मेजरिंग टेप, वेइंग स्केल, ग्रोथ चार्ट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब स्पेशल पॉइंट्स क्या है इसमें, फॉर सर्वेलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपेयर द फाइंडिंग विद स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। तो कहाँ से कंपेयर करेंगे हम, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से, जैसे कि वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, रेफरेंस कर्व्स, फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि कितने डिग्री पे माल न्यूट्रिशन है, रेफर द ग्रोथ चार्ट रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। इसके लिए जो ग्रोथ चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है उससे हम रेफर करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आर टेकन फॉर अडल्ट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट बॉडी फ्रेम, मसल बेस्टिंग, फैट कंटेंट ऑफ टिश्यू। यदि अडल्ट की बात करें तो उसमें हम बॉडी फ्रेम का, मसल बेस्टिंग का, फैट कंटेंट कितना है टिश्यूज में, इस सब का पता लगाते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा आर यूज टू एवेल्यूएट हेल्थ एंड डाइटरी स्टेटस से पता लगता है, इससे डिजीज रिस्क का पता लगता है, बॉडी कंपोजिशन चेंजेस का पता लगता है दैट अकर ओवर अडल्ट लाइफ स्पेन। अब इसमें जैसे एक आता है मेजरमेंट ऑफ हेड सरकमफेरेंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रूटीन बेल बेबी केयर का। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए हेड दैट इज लार्जर देन नॉर्मल और दैट इज इंक्रीजिंग इन साइज फास्टर देन नॉर्मल। एक तो हेड क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, और एक फास्टर जो नॉर्मली जो ग्रोथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा वो साइज में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वाटर ऑन द ब्रेन हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस, और यदि वेरी स्मॉल हेड साइज है तो वो क्या हो सकता है, माइक्रोसिफेली, और वेरी स्लो ग्रो रेट मे बी साइन दैट ब्रेन इज नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली, कि प्रॉपरली ब्रेन डेवलप नहीं कर रहा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नीडेड इन एंथ्रोपोमेट्री ये यही है, म्यूक टेप। म्यूक इज फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 मंथ। तो ये के टेस्ट किस में किया जाता है, मेजरमेंट चिल्ड्रन जो कि 6 महीने से क्या है, कम है। तो इसके लिए ये जो है ये है म्यूक
टेप इसका यूज किया जाता है। तो इससे क्या है, आर्म सरकमफेरेंस जो है वो लिया जाता है। तो मुएट का मतलब क्या है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, अपर आर्म की जो मिड है उसका सरकमफेरेंस लेना। देन बेबी वेइंग स्केल होती है ये, कि मेजरिंग चिल्ड्रंस वेट, इसमें ये यहाँ पर दिखाई गई है, वेट हु कांट स्टैंड प्रॉपरली, जो बच्चे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली उनका भी इसमें वेट ले लेते हैं। इसके अलावा अडल्ट स्केल है, दिस इज यूज फॉर मेजरिंग वेट ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन हु कैन स्टैंड बाई देमसेल्फ प्रॉपरली। देन आता है स्किन फोल्ड कैलिपर आता है, दिस इज यूज टू मेजर द स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। ये है स्किन फोल्ड कैलिपर। देन आता है स्टीरियोमीटर, ये स्टीरियोमीटर है, दिस इज यूज फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ द पेशेंट को मेजर करने के काम में आता है। हु कैन स्टैंड बाई देम सेल्फ प्रॉपरली, तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होता है इससे हाइट का पता चलता है, ये मूव करता है हाइट के अकॉर्डिंग, तो इसको कहते हैं स्टेडियोमीटर। देन वेट की यदि बात करें तो स्केल शुड बी प्लेस्ड ऑन ए लेवल हार्ड फ्लोर सरफेस पर रखी होनी चाहिए। वेइंग स्केल स्टार्ट करना है स्केल को एट जीरो से, एंड लेट द पेशेंट स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द स्केल पे पेशेंट को खड़ा रहना है। पेशेंट आर आस्क टू रिमूव देयर हैवी आउटर गारमेंट को, जो भी आउटर गारमेंट पहन रखे हैं हैवी उसने उनको रिमूव करने के लिए। हाइट द पर्सन लुकिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट देखना है उसको अहेड, स्लाइड द हेडबोर्ड जेंटली डाउन टू द हेड, जो हेडबोर्ड है उस पर उसको डाउन करेंगे हेड तक, कंप्रेसिंग द हेयर, बी श्योर द हेडबोर्ड इज लेवल एट राइट एंगल, राइट एंगल पे लेवल होना चाहिए। हेड सरकमफेरेंस के लिए इन्फेंट और चिल्ड्रन में अंटिल एज 3 ईयर तक हेड सरकमफेरेंस चेक किया जाता है। हेड सरकमफेरेंस इज मेजर्ड ओवर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑन द बैक ऑफ द हेड, जैसे कि ऑक्सीपुट से मेजर करते हैं, ऑक्सीपुट पे जाएगा एंड जस्ट अबव द आईब्रो, और आईब्रो के ऊपर जाएगा। इस तरह से पूरा हेड सरकमफेरेंस नापा जाएगा, आईब्रो पे मतलब कि सुपरा ऑर्बिटल रिज पे लार्जेस्ट सरकमफेरेंस होता है यहाँ पर हेड का। पुल द टेप फेयरली टू कंप्रेस द हेयर, रीड द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर फॉर रिकॉर्डर। देन आता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC, इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ टेप टू मेजर द मिड पॉइंट ऑफ द आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। म्यूअर शुड बी मेजर्ड ऑन ओनली दोज हु आर 6 ईयर एंड बिलो, 6 साल या 6 साल से छोटे उनके लिए। टू मेजर म्यूएक ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप इज रैप्ड अराउंड द मिडल अपर आर्म ऑफ द चाइल्ड। स्किन फोल्ड टेस्ट के लिए इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ टेप टू मेजर द मिड पॉइंट ऑफ द आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड टिप ऑफ द एल्बो। स्किन फोल्ड ट्राइसेप शुड बी मेजर्ड एट द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। तो आज हमने जाना एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में, पोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर।